नमस्कार मजदूर, मैं आप सभी का स्वागत है खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जवाहर बाग की तीसरी बरसी पर पुलिस लाइन में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी समेत विभागीय अधिकारियों ने शहीद हुए मुकुल द्विवेदी और एसओ फॉरेस्ट संतोष कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश में भूचाल लाने वाले जवाहर बाग कांड की तीसरी बरसी पर पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और अधीनस्थों ने जवाहर बाग मुक्त कराने के दौरान शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ फरे संतोष कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी ने इन दोनों शहीदों की शहादत को याद किया। इस दौरान अपने संबोधन में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी को ये जानकारी दी। पुलिस विभाग ने अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों और अधिकारियों को शहीद का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पुलिस लाइन के प्रथम द्वार का नाम शहीद मुकुल द्विवेदी के नाम होगा, जबकि दूसरे द्वार का नाम शहीद संतोष कुमार के नाम से होगा। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन स्थित सभागार का नाम शहीद संतोष कुमार सभागार के नाम से रखा जाएगा। वहीं पुलिस लाइन के अंदर आरक्षियों के लिए बनाए गए नए भवन का नाम शहीद मुकुल द्विवेदी भवन के नाम से होगा। इस दौरान शहीदों को श्रद्धा सुमन करने के साथ साथ उनके नाम से वृक्षारोपण भी किया गया। श्रद्धा सुमन के इस कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित विभाग के सभी लोग भावुक नजर आए। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जवानी से लड़ते हुए हमारे 2 अधिकारियों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ये निश्चित तौर पर मृत्यु दुख का विषय है, लेकिन एक वर्दीधारी जब ऑपरेशनल ग्राउंड में अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, तो वो न केवल आने वाली पीढ़ियों को, न केवल उस जगह को, बल्कि हर कहीं जहां कहीं भी वर्दी में कोई आदमी अपना ड्यूटी कर रहा होगा, अपना काम कर रहा होगा, उसे प्रेरित और अनुप्राणित करता है। आज हम सब उनके इस सर्वोच्च बलिदान से प्रेरित और अनुप्राणित हैं और निरंतर हम ये कामना करते हैं कि वो जहां कहीं भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और हम सब ने मिलकर जो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये अभी श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये न केवल उन दोनों को बल्कि उन तमाम अमर शहीदों को पहुंचे जिन्होंने ड्यूटी करते हुए कर्तव्य की बलबेली पर अपने प्राणों की बलि लगा दी। आपको इस मौके पर मैं ये भी स्मरण दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान में पुलिस बल के शहीदों को भी शहादत का दर्जा देने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है और इस मौके पर मैं इस बात के लिए उन तमाम शहीदों के परिजनों, उन तमाम शहीद लोगों के तरफ से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस मौके पे मेरी कामना है और मैं इस बात का प्रस्ताव करता हूं कि जो हमारे पुलिस लाइन का मुख्य द्वार है उसका नाम अमर शहीद मुकुल द्विवेदी द्वार एवं जो दूसरा गेट है उसका नाम संतोष कुमार द्वार कर दिया जाए और कल से हम इस बोर्ड को वहां पर लगाएंगे और सभागार का नाम भी संतोष सभागार कर दिया जाए। जो हमारे रिक्रूट आरक्षियों के लिए नई बैरक बनी है उसका नाम भी मुकुल द्विवेदी भवन कर दिया है। ये चारों एक इस प्रकार का हमारे लिए स्मृति बोध कराता रहेगा कि जब जब हमारे यहाँ शहादत हुई है उसका पूर्ण सम्मान किया गया है और हर व्यक्ति को, हर हमारे पुलिसकर्मी को, रिक्रूट को जो ट्रेनिंग में है उसे भी यह स्मृति बोध कराएगा कि हम सब जिस काम के लिए लगे हैं, जिस ड्यूटी पर लगे हैं, उस समय बहुत कम और खुशकिस्मत लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपना सर्वोच्च बलिदान कर्तव्य पथ पर दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।